नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आ गया एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने। दोस्तों बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि ऑनशोर में क्या ऐसा खास है, ऑफशोर में ऐसा क्या खास है, क्या ऑफशोर में ये एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होता है, क्या ऑनशोर सेफ होता है, क्या ऑफशोर में अधिक सैलरी मिलती है, क्या ऑनशोर में कम सैलरी मिलती है। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफ़ी लोग की क्वेरी है इन चीज़ों को लेकर। तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर, सारे डिफरेंसेस बताऊँगा दोनों में, क्या बेनिफिट है दोनों में, क्या लॉसेज हैं, क्या दोनों में डिसएडवांटेज हैं, किसी में क्या एडवांटेज है, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गेट निकालने के बाद अगर हम ONGC से ज्वाइन करते हैं तो ONGC में दो तरह की पोस्टिंग मिलती है, या तो आप ऑफशोर में पोस्टिंग होगी आपकी या ऑनशोर पे। तो इन दोनों पोस्टिंग में कुछ ना कुछ एडवांटेज जुड़ी हुई हैं या कुछ कुछ डिसएडवांटेज जुड़ी हुई हैं इन दोनों पोस्टिंग से। तो पहला बात करते हैं हम सेफ्टी पे। अगर सेफ्टी पे बात करें तो ऑफशोर थोड़ा रिस्की है क्योंकि आपको चौपर से जाना पड़ता है, समुद्र के बीच में आपका प्लेटफॉर्म या रिग है उस पर आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा रिस्की तो है ये, लेकिन मैनेजेबल है, यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं रिस्क को हम लोग यहाँ पे। दूसरा है ऑनशोर। ऑनशोर काफ़ी सेफ है, रिस्क नहीं है वहाँ पे, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है काम करने में क्योंकि बिल्कुल लैंड पर ड्यूटी करते हो आप, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम वर्किंग आवर्स की। तो अगर ऑनशोर की बात करें तो ऑनशोर की वर्किंग आवर जो होती है वो होती है सिर्फ 8 आवर्स, क्योंकि ऑनशोर पे 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती है। कुछ इंजीनियर्स रात में करते हैं, कुछ रात से मॉर्निंग करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग से शाम तक करते हैं, ठीक है। तो 8 आवर्स का आपका ड्यूटी रहेगा वहाँ पे। लेकिन अगर ऑफशोर की बात करें तो ऑफशोर पे 14 डेज तक आपको 12 आवर्स की ड्यूटी करनी है, 12 घंटे काम करने हैं आपको 14 दिन तक, फिर 14 दिन आपकी लीव रहेगी। कोई कोई 14 दिन भी करते हैं, कोई कोई एक और वर्किंग कल्चर है जिसको कहते हैं 21 डेज का, 21 डेज ड्यूटी 21 डेज ऑफ। तो ये ऑफशोर पे वर्किंग पैटर्न होता है हमारा, ठीक है। सैलरी की बात करें तो ऑफशोर पे सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज कुछ अलाउंसेस जुड़ जाते हैं इसके अंदर। तो ऑफशोर की जो इनहैंड सैलरी है वो हमेशा ऑनशोर से ज़्यादा होगी, ऑनशोर पे इतनी सैलरी नहीं मिलती इनहैंड जितनी ऑफशोर पे मिल जाएगी आपको, तो सैलरी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर फैमिली इमरजेंसी की बात करें तो फैमिली इमरजेंसी में अगर आपके फैमिली में कोई दिक्कत आती है, किसी तरह किसी को बीमार पड़ जाता है, कोई समस्या आती है, कोई भी इशू होता है घर में, तो आपको ऑफशोर पे वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ऑनशोर पे आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट क्या मतलब, आपके साथ भी रह सकते हैं वहाँ पे वो, क्योंकि आपको ऑनशोर पे क्वार्टर अलॉट होता है, क्वार्टर में आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि अकोमोडेशन की बात करें। अगर हम अकोमोडेशन, पता है आपको कि अगर आपकी पोस्टिंग ऑफशोर पे होती है तो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलता है, आपको एक पार्टनर के साथ या दो पार्टनर के साथ आपको शेयर करना पड़ता है, या तो ट्विन शेयरिंग होती है या तो फिर 3 लोग के साथ शेयर करना पड़ता है आपको। तो किसी को तो प्राइवेसी पसंद है, किसी को प्राइवेसी अच्छी लगती है, किसी को अकेले रहना पसंद है, तो वहाँ पे उनके लिए एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपको अकेले रहने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपको 14 डेज जो रहते हो शिफ्ट पे आप, तो ड्यूटी के बाद आपको अपना रूम शेयर करना पड़ता है 2 लोगों के साथ या 1 लोग के साथ, एक भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनशोर पे आपको क्वार्टर अलॉट होता है, आप अपने फैमिली के साथ रहिए, आप अकेले रहिए, आपके ऊपर है, ठीक है। खाने की बात करें तो खाना घर पे आप बना के फ्रेश खाते हो ऑनशोर में, लेकिन ऑफशोर में क्या होता है कि आपको फ्रोजन फूड सप्लाई होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वेंडर सप्लाई करते हैं वहाँ खाना बनता नहीं है, तो जो भी फूड वहाँ पे आपको सप्लाई किए जाते हैं वो फ्रोजन फूड होते हैं, ठीक है। तो किसी को शूट करता है, किसी को शूट वो नहीं करता, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वर्किंग पैटर्न की बात करें तो ऑफशोर पे आपका 14 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद डिपेंड करता है कि वहाँ पे मैन पावर शॉर्टेज तो नहीं है, वहाँ पे जो जिस चॉपर से जाने वाले हो आप वो चॉपर अवेलेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको, जिस ट्रेन से आप घर जाओगे वो ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप 14 डेज के बाद वहाँ से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे। और भी सिचुएशन वर्स हो सकते हैं कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल अगर जिस ड्यूटी कर रहे हो जिस प्लेटफॉर्म पे आप, समुद्र के बीच में है वो, तो समुद्र की लहरें वहाँ पर तेज हो जाती हैं, स्पीड बढ़ जाता है, लहरों की स्पीड बढ़ जाती है वहाँ पे, तो वैसे वेदर में आपको कंपनी वहाँ से निकलने नहीं देगी। तो कई बार आपको विदाउट एनी रीज़न इन सब रीज़नों की वजह से आपको वहाँ पे स्टे बैक करना पड़ता है, आपको अपना टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है, आपको 15-16 डेज भी रहना पड़ जाता है कई बार जब ऐसा सिचुएशन होता है ऑफशोर पे। जबकि ऑनशोर पे देखें वैसा कोई सीन नहीं है, आप अपना 8 आवर्स का ड्यूटी कंप्लीट करें, ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद
अपने घर पे, आपको वैसा कोई इशू वहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो है, जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है चॉपर पे राइड मिलना। एक आम इंसान चॉपर की राइड नहीं ले सकता, कईयों की जिंदगी बीत जाती है पूरी, वो एक बार भी नहीं बैठ पाते चॉपर पे। लेकिन जो ONGC में काम करते हैं, जो ऑफशोर पे ड्यूटी करते हैं, उनको हर मंथ बैठने को मिलता है, हर मंथ आते हैं जाते हैं उसी चीज़ से वो, तो उनके लिए वो बड़ी चीज़ नहीं रह जाती चॉपर पे बैठने का। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिनको चॉपर पे बैठने का, चॉपर का राइड का शौक है ना, उनके लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है, एक आपके लिए। इन सब एडवांटेज डिसएडवांटेज को अगर हट के बात करें इससे, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 14 डेज को आप ड्यूटी करने के बाद आप अगर ड्यूटी से निकलते हो, तो आप जरूरी नहीं कि आप घर ही जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो देश में। आप अपना ड्यूटी मुंबई ऑफशोर से निकल कर आप बाहर निकले और आपको जम्मू कश्मीर जाना है, शिमला जाना है, कहीं पर भी जाना घूमने के लिए, तो आप जाइए वहाँ पर से 14 दिन रह के आप लौट के आ सकते हैं वहाँ से। आपके जाने का और आने का जो एक्सपेंस है वो ONGC बियर करती है, वो कंपनी बियर करती है, जितना भी ट्रेवल एक्सपेंस होगा आपका यहाँ से वहाँ तक जाने का, वहाँ से वापस आने का, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम, तो अगर ONGC ऑफिसर पोस्टिंग आपकी है, तो ऑफिसर के कैंटीन में आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं आपको खाने के लिए। तो एक इंसान वहाँ पे इतना तो खा पाएगा नहीं वहाँ पे। तो जब घर आते हैं 14 डेज के बाद ना, उनके बैग में सारे पैकेट्स इतने भरे होते हैं, केजीज में भरे होते हैं उनके पैकेट, क्योंकि अकेले वो खा नहीं पाते वहाँ पे, और वहाँ पे मिलता है खाने को ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा, तो लोग कैरी करके घर ले आते हैं। ये सारे इंजीनियर्स करते हैं, ये कोई सेम वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, सारे लोग करते हैं वहाँ पे मैनेज। तो दोस्तों ऑफशोर उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो लोग ऑफशोर अपनी पोस्टिंग से, लोकेशन से बहुत डिस्टेंस पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं रहने वाला हूँ झारखंड का, और अगर मैं मुंबई ऑफशोर में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो जब मुझे 14 डेज के बाद मुझे ऑफ मिलेगा, तो मैं घर आ सकता हूँ ऑफशोर वाले कल्चर में। ऑफशोर वाले कल्चर में फ़ायदा ये है कि एक मुंबई में काम करने वाला लड़का ऑफशोर पे अपना राज्य आ सकता है हर 14 डेज के बाद, और उसके आने जाने का एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है, ONGC बियर करती है। मगर वही अगर मैं ऑनशोर में ड्यूटी करता, तो ऑनशोर में मुझे सिर्फ आने का मौका मिलता, त्योहारों में ही मौका मिलता, मुझे फेस्टिवल्स में आने का मौका मिलता, क्योंकि वहाँ पे 300 दिन काम चलेंगे, सैटरडे संडे सिर्फ ऑफ मिलता है ऑनशोर वाले में, तो आपको घर आने का मौका नहीं मिलता। आप सिर्फ त्योहारों में ही घर आ सकते हो अगर आपकी ऑनशोर ड्यूटी है, तो क्योंकि आप सैटरडे संडे के अलावा कोई लीव है नहीं वहाँ पे ज़्यादा, तो आप कैसे घर पाओगे। लेकिन ऑफशोर में क्या है कि हर एक 14 डेज के बाद आप अपने राज्य आ सकते हो, अपने घर आ सकते हो, अपने होम टाउन आ सकते हो। तो ऐसे लोग जो ऑफशोर से दूर रहते हैं, उनका घर बहुत दूर है, उनके लिए ऑफशोर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए, एडवांटेज बताए, डिसएडवांटेज बताए मैंने ऑफशोर ऑनशोर के, उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ऑफशोर वही चूज़ करें जिनके फैमिली में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स ना हो, किसी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत ना हो, मेडिकल इश्यूज ना हो कोई, वो लोग ही चूज़ करें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वो रीच आउट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक दिक्कत हो सकती है इस चीज़ में आपको। तो चूज़ करने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें आप, और अगर ऐसा कुछ, और ऑब्वियसली अगर आपके फैमिली में, अगर आप क्रूशियल मेंबर हो फैमिली के, आप ही घर चलाते हो, तो वैसे में आपको ऑफशोर चूज़ नहीं करना चाहिए, आपके लिए ऑफशोर अच्छा नहीं हो सकता उस केस में, ठीक है। तो जो लोग मुंबई से दूर रहते हैं, वो लोग ऑफशोर को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा, तो उनका करना वाजिब भी है, सही भी है उनके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको मैं सारी क्लैरिटी दे पाया, सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने रख दी है, आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेटर है आपके लिए, कौन सा बेटर आपके लिए नहीं है। दोनों अपने जगह पे बहुत सही हैं, दोनों आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी है, आपका सिचुएशन कैसा है, उसको अडॉप्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।